हाय फ्रेंड्स, एसपी किचन में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं आधार कार्ड का नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं 2023 का। तो सबसे पहले आपको लिखना है सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला फॉर्म सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट। यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म, न्यू फॉर्म आ गया है। अब इसको कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल पे सही का निशान लगा देना है। अगर नया फॉर्म भरा रहे हैं, मतलब जैसे नया आधार कार्ड का है, तो आपको न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। अगर अपडेट कराना है तो अपडेट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और नया आधार कार्ड है तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। इसके बाद अगर नया आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालना है। न्यू आधार अपडेट कर बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर नहीं डालना है। अगर अपडेट है तो आपको यहाँ पे अपना पूरा आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम कैपिटल में, यहाँ पे जो भी नाम है उसका एक एक बॉक्स में यहाँ पे लेकिन देना है, सब कैपिटल में। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अपने पिता का नाम कैपिटल में लिखना है, एक एक अक्षर। इसके बाद यहाँ पे अगर मकान संख्या है तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे एक एक अक्षर कैपिटल में सब लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है कैपिटल में, सब अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम, यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्ट का नाम, सॉरी, यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे कैपिटल में। इसके बाद यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिखेंगे टोटल। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कार्ड पिन कोड होता है 6 अंक का, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड अपना यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको जन्म तिथि अपना डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड में है। अगर अपडेट कराएं तो यहाँ पे जो अपडेट कराना चाहते हैं वो डालेंगे। अगर न्यू आधार कार्ड बनवाए हैं तो अपना यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, जैसे भी आप साइन कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप मास्टर से, अपने स्कूल के मास्टर से कर रहे प्रमाणित करवा रहे हैं, तो यहाँ मास्टर का पूरा नाम रहेगा, क्या है, प्रिंसिपल है, जो भी वो पद पे है वहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे अपना। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का एड्रेस पूरा लिखेंगे, सब टोटल। इसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर रहेगा, जो भी मास्टर रहेंगे उनका मोबाइल नंबर रहेगा। अगर आप ग्राम पंचायत से करा रहे हैं तो आपके ग्राम पंचायत के यहाँ पे प्रधान का नाम रहेगा, यहाँ पे उनका पद लिखा रहेगा, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वहाँ का एड्रेस मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद आपको अगर ग्राम पंचायत से करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अगर आप प्रिंसिपल से करवा रहे हैं तो यहाँ हेड ऑफ, अगर प्रिंसिपल से करवाते हैं हेड ऑफ, यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है। अगर प्रधान से करवा रहे हैं तो यहाँ पे, इसके बाद इसे छोड़ देना है। यहाँ पे आपके स्टाम्प, अगर प्रधान से करवाते हो वो अपना मोहर ठप्पा और साइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे पासपोर्ट साइज, और यहाँ पे प्रधान या मास्टर जो भी हैं उनका मोहर ठप्पा रहेगा। इसके बाद क्रॉस निशान रहेगा साइन का, क्रॉस साइन यहाँ पे करेंगे और फोटो पे प्रमाणित करेंगे फोटो। अगर यहाँ पे फोटो पे लगाने के बाद मोहर ठप्पा लगाने के साइन करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट नहीं डालना है, डेट आप जहाँ सेंटर पे जाएंगे अपडेट कराने या नया बनवाने वो अपना डेट डालेंगे। तो ऐसे आप अपना न्यू आधार कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल SPK को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।